जब सारी दुनिया की मांग एक है, तो चाइना की क्या मजबूरी है जिस करके वो पाकिस्तान की भाषा ही नहीं बोल रहा लेकिन एक टेररिस्ट को के बचाव में बाहर निकल के आया है। मैं समझती हूँ कि चाइना पूरे दुनिया में अपने आप को उसने एक्सपोज किया है, और उसकी डबल स्टैंडर्ड जो है, जो एक तरफ से जैश ए मोहम्मद जो ये मसूद अजहर की जो इसका संगठन है, कंपनी है, जो भी है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ तो सैंक्शंस के लिए करार उसने दिया कि हाँ उसके खिलाफ सैंक्शंस होने चाहिए, लेकिन उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है मसूद अजहर, उसको ग्लोबल टेररिस्ट नहीं कह सकते। तो ये क्या नीति है ये चाइना ही बता सकता है, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा ख्याल हर एक हिंदुस्तानी में ये बहुत बड़ा रोष है कि हर बारी ये पाकिस्तान की भाषा बोल के चीन मसूद अजहर को ऐसे एक टेररिस्ट बनाने से रोक लगाता था और बोलता था सबूत दो। अब जब इतने सबूत दे दिए हैं, जब उन्होंने खुद मान लिया कि ये हमने पुलवामा हमने कराए, तो इससे और बड़ा सबूत क्या हो सकता है? तो मेरा ख्याल कहीं ना कहीं समय आ गया कि अब हिंदुस्तानियों को ही चाइना को एक जवाब देने की ज़रूरत है, जहाँ सरकार अपना डिप्लोमेटिक काम कर रही है। मैं समझती हूँ सबसे बड़ी मार जो हम चाइना को मार सकते हैं कि जो इन्होंने हमारे देश में अपने चाइनीज सामान सारा भर दिया है, आज हर एक हिंदुस्तानी जिसके मन में रोष है कि जो लोग हमारे ऊपर हमले करने की साजिशें रचते हैं, आज चाइना जो उनको बचा रहा है और उसके ग्लोबल टेररिस्ट पे ऐलान होने में रोक लगा रहा है, तो हर एक हिंदुस्तानी को आज महात्मा गांधी की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, जहां उन्होंने ये विदेशियों को गोरों के भगाने के लिए स्वदेशी की बात करी। हम आज से ही मन बना लें कि आने वाले होली से शुरू होते ही हम कोई भी चीन का प्रोडक्ट अपने घर में आने ही नहीं देंगे, हम अपना एक पैसा नहीं खर्चा करेंगे चाइनीज सामान खरीदने में। और ये इकोनॉमिक मार चाइना को सबसे बड़ी मार 125 करोड़ हिंदुस्तानी मार सकते हैं, और एक संदेशा भेज सकते हैं कि आप उनका साथ दोगे जो हमारे ऊपर हमले करते हैं, तो हम भी आपका ये साथ एक पूरा बैन लगा के चाइनीज गुड़ पे हम इनको घुटने टेकने पे मजबूर करेंगे कि आप फैसला कीजिए, आपने टेररिस्ट पाकिस्तान का साथ देना है कि हिंदुस्तान का साथ देना है।